हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 1 ईयर के लिए बनाई है। बहुत ही इजी पैटर्न है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये 66 चैन बनाई हैं। यहाँ से देखिए 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे, चैन छोड़ेंगे और फोर्थ वाले से नेक्स्ट जो 9 चैन है, इनमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हमें 10 बनाना है, तो ये चैन 3 जो है वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो 10 बनाएंगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, 10 जो चैन हैं टोटल, सॉरी 10 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो चैन 3 हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10 बनाने हैं। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, ये 10 वाले हमने बना लिया। अब देखिए, चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट चैन है, यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट शोल्डर होगा, ये बैक, आधा बैक है। अब यहाँ से हम शोल्डर बनाएंगे, तो शोल्डर में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे टोटल। तो ये जो फर्स्ट है, चैन 1 बनाई और नेक्स्ट वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, तो 12 बनेंगे। तो ये फर्स्ट 12 बना लेती हूँ मैं, 12 चैन में 12 डबल क्रोशिया। तो देखिए, ये 12 हमने बना लिए, चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो चैन है उससे 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फ्रंट हमने, ये बैक में हमारे 10 है, तो ये फ्रंट होगा, उसमें 20 आएंगे। तो देखिए, ये जो हमने ये चैन 1 बना रहे हैं, इसमें आप मार्क कर लीजिए, नहीं तो ये बहुत छोटा सा स्पेस है, दिखेगा नहीं, और बिगनर्स के लिए तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको मार्क कर लीजिए, जिससे आपको स्टिच, ये जो चैन 1 का स्पेस है वो ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वो फ्रंट के लिए। ठीक है, तो मैं 20 बना लेती हूँ। तो ये देखिए, 20 बना ली, फिर से चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाली जो चैन है, यहाँ से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा कंधा है और इसको भी मार्क कर लेंगे। फर्स्ट वाली रो में आप मार्क कर लीजिए, सेकेंड वाली में से तो स्पेस दिखने लगेगा थोड़ा, फर्स्ट में ही लगता है कि दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये दूसरे कंधे के लिए मैं 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए, ये 12 बना लिए, चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है, यहाँ से हमारे पास 10 चैन ही बचनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको एक एक करके निकाल दीजिए, निकल जाएंगी। अगर आपकी कम हैं तो आपको वापस उधेड़ना पड़ेगा और वापस से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप फर्स्ट रो में पहले तो आप चैन अच्छे से काउंट करके बनाइए, और अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा तो ये फर्स्ट जो रो है इसमें ही अच्छे से स्टिचेस को काउंट कर लीजिए। आगे जाएंगे तो फिर आपका जो शेप है वो कोई आगे, कोई पीछे, कोई छोटा, कोई बड़ा, इस तरीके से बनेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये बची हुई 10 जो चैन हैं, इनमें भी मैं एक एक डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट रो हमने बना ली, अब सेकेंड वाली बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस सब पलट जाएंगे। और फर्स्ट, देखिए, चैन 1 है जो हमारा स्टिच नहीं है, फर्स्ट वाले स्टिच में ही 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हर एक एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए चैन 1 के स्पेस पे आ जाएंगे। ठीक है, बस आप अगर फर्स्ट रो में आपने अच्छे से काउंटिंग की हुई है ना, तो फिर आपको स्टेप फॉलो कीजिए जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपको बार बार स्टिच काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, लास्ट वाले स्टिच तक हमने स्टिच बना लिया, ये चैन 1 का स्पेस है। तो ये चैन 1 का स्पेस है, इसमें बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे शेप आ जाएगा, तो आपको स्टिच ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर अगर आपको लगता है तो आप हर बार यूज़ कीजिए। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ भी चैन 1 का स्पेस होगा उसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 1, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये रो बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए, रो के लास्ट में आ गए, जो स्टार्टिंग में हमने चैन 3 बनाई स्किप की थी, मैंने आपको बताया था ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो इसकी 1, 2, 3 सबसे ऊपर वाली जो चैन है उस पर एक 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो आप स्टिच को, इसको चैन 3 को भी मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको। अब देखिए, सेकेंड रो बनाएंगे, फिर यही रो हम थोड़ा आगे तक रिपीट करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, फर्स्ट वाले स्टिच में ही 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब लास्ट में आएंगे, तो जब लास्ट रो के लास्ट में आएंगे, तो इन दोनों के बीच में लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपको स्टिच ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो हमारी ये वाली लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, तो मैं इसको बना के रो को
थोड़ी रो मैं बना लेती हूँ, यही रो हमें रिपीट करनी है, बस लास्ट वाली जो चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया है इन दोनों के बीच में लास्ट वाला स्टिच बनाना है। तो ये कुछ रो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 रो बना ली हैं। अब इसको जोड़ेंगे, थोड़ा सा हम पीछे ओपन हिस्सा रखेंगे जिससे पहनाने में दिक्कत नहीं हो। तो अब देखिए करना किस तरीके से है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 रो बना ली हैं। अब देखिए ये जो चैन वन और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था इन दोनों के बीच में हम इसको स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे, ठीक है। चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो चैन थ्री है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो देखिए हमने यहाँ से आके इसको जोड़ा, चैन थ्री बनाया और वापस टर्न हो जाएंगे, जिस तरफ से आए थे उसी तरफ वापस आना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा लास्ट स्टिच इस तरफ से होगा। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे और वैसे ही रो रिपीट करनी है जैसे हमने पहले बना रहे थे। देखिए मैं पहले चैन वन के स्पेस में आएंगे, यहाँ आ जाती हूँ पहले मैं फर्स्ट वाले चैन वन के स्पेस में। अब देखिए ये चैन वन का स्पेस है, इसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन वन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। चैन वन के स्पेस में हर एक चैन वन के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चैन वन, 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से पूरा राउंड में बनाते हुए वापस यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं पूरा बना के यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए 7th वाली रो बना के लास्ट में आ गए। अब देखिए हमने ये चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया था और चैन थ्री बनाया था। तो देखिए ये हम यहाँ हमने लास्ट वाला स्टिच बनाया, इसमें नहीं बनाएंगे, ये हमारा चैन थ्री है, यहाँ ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो देखिए ये जो थर्ड वाली चैन है इसमें आप स्टिच मत बनाइएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम हो जाएंगे। थर्ड वाली जो चैन है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और देखिए जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी वैसे ही बनानी है, ठीक है। चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3 और पलट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी जो नेक्स्ट जो रो हैं कुछ हमें ऐसे ही बनानी है, यहाँ पे यहाँ तक देखिए जब नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ तक स्टिच बनेंगे, फिर चैन थ्री बनाएंगे, फिर पलट जाएंगे। तो इसी तरीके से ये वाली जो कुछ रो है हमें ऐसे ही बनानी है। अब ये इस तरीके से हम इसलिए बना रहे हैं जिससे हमारा जैसा स्टार्टिंग में पैटर्न आया है वैसा ही आए, नहीं तो ये राउंड राउंड अगर आपने बनाया तो ये पैटर्न चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए आपको पता किस तरीके से पड़ेगा फ्रंट कौन सा, ये देखिए जो हमने फर्स्ट रो बनाई है ये देखिए इसकी फिनिशिंग और ये बैक से इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, फ्रंट से अच्छी दिख रही है आपको, तो यही हमारा फ्रंट है। तो मैं अब थोड़ी सी रो बना लेती हूँ जितना हमें योग चाहिए उतना, फिर इसके बाद हम इसका घेर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बनाते हुए वापस यहाँ आएंगे, फिर चैन थ्री में थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, फिर वापस टर्न हो जाएंगे, फिर इस तरफ से इस तरफ बनाएंगे, ठीक है। जिस तरफ से आएंगे उसी तरफ वापस जाना है। तो देखिए इसमें मैंने 11 रो बना ली है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए ये जो चैन वन के स्पेस है यहाँ से देखिए हमने डबल में रखा हुआ है, इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे तो ये 10 इंच का होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका नहीं तो चेस्ट कम हो जाएगी, 1 ईयर के लिए 20 चेस्ट लेते हैं तो 10 फ्रंट का 10 बैक का तो 20 हो जाएंगे। अब ये हम बनाएंगे 12th वाली, ठीक है। देखिए ये थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच अटैच हमने कर लिया, चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ से आए हैं तो इसी तरफ से वापस जाएंगे। और देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए जो फर्स्ट हमारा चैन वन का स्पेस है वहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए चैन वन का स्पेस है, इसमें एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका उल्टी तरफ से आप बना रहे हैं कि सीधी तरफ से बना रहे हैं, जब आप बना लें जब आप घेर बनाना शुरू करें तो उसको सीधा कर लीजिए, अगर उल्टी तरफ से आपका पड़ रहा है तो फिर जब घेर बनाएंगे तब आपका फ्रंट तरफ से बनना चाहिए जिससे राउंड राउंड बनेगा वो। अभी तो आप उल्टी तरफ से भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट वाले चैन वन के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए जो सेकेंड वाला चैन वन का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए
जो थर्ड वाला चैन वन का स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से बना के यहाँ आ जाती हूँ। अब देखिए ये थर्ड वाला चैन वन का स्पेस है, इसमें वन डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए थर्ड वाले चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशे बना लिया। अब देखिए ये जो फोर्थ वाला चैन वन का स्पेस है ये बीच के स्किप कर देंगे, फोर्थ वाला जो चैन वन का स्पेस है इसमें एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ आ जाते हो जहाँ से हमने स्टार्ट की थी रो, वहीं पे। तो देखिए ट्वेल्थ वाली रो के लास्ट में आ गए। थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और देखिए टर्न हो जाएंगे इस तरफ से, और हर एक स्टिच में एक एक वन डबल क्रोशिया बनाते हुए, हर एक स्टिच में आएगा, कुछ चेंज नहीं करना, बनाते हुए वापस यहीं पे आ जाएंगे। अब इस जहाँ पे आपको सीधा कर लेना अगर उल्टा हो रहा है आपका तो। ठीक है, तो मैं बना के आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये 13 वाली रो मैंने लास्ट तक बना ली है। यहाँ पे 84 स्टिच हैं, ये 3 के मल्टीपल भी हैं, 4 के मल्टीपल भी हैं, 6 के मल्टीपल भी हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हर फोर्थ वाले स्टिच में हमें पैटर्न बनाना। देखिए यहाँ 4 के मल्टीपल के हिसाब से कर रहे हैं, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, चैन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, सेकेंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो फोर्थ वाला है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्री में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, और जो फोर्थ वाला है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बना लेती हूँ लास्ट तक, हर फोर्थ वाले को फ्रंट पोस्ट बनाना है। इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो देखिए रो के लास्ट में आ गए हैं, जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है ये फ्रंट पोस्ट आया है। देखिए इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जो थर्ड वाली चैन है, चैन थ्री से हमने स्टार्ट किया था, थर्ड वाली चैन है इसको इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट रो बनाएंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, चैन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू, और देखिए जो थर्ड वाला है इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, और जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे, और फिर जो नेक्स्ट थ्री, नेक्स्ट वन टू, नेक्स्ट टू में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, और जो थर्ड वाला है इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फ्रंट पोस्ट जो है इसको फ्रंट पोस्ट ही बना देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इस रो को मैं बना रही थी, एक रो और बताऊंगी, फिर इसी तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए 16 वाली रो बनाएंगे, ये हमने लास्ट वाला स्टिच फ्रंट पोस्ट था, अब चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और देखिए चैन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट थ्री में वन वन बनाएंगे, वन टू थ्री, और जो फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हर एक जो फोर स्टिच हैं इनमें एक एक स्टिच बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट को फर्स्ट पोस्ट बनाएंगे। तो ये जो 16 वाली रो है, 16 और 70 रो सेम तरीके से बनेगी, फिर इसके नेक्स्ट वाली रो में स्टिच बढ़ाएंगे। तो देखिए ये 17 रो हमने बना ली है, 18 वाली बनाएंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, अब नेक्स्ट चैन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट स्टिच में स्टिच बनाएंगे, थर्ड में स्टिच बनाएंगे, अब ये देखिए फोर्थ वाला है इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर थर्ड वाली रो में स्टिच इंक्रीज करेंगे और लास्ट वाले स्टिच में ही इंक्रीज करना है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और फिर देखिए वन टू थ्री में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ वाले में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर थर्ड वाली रो में लास्ट वाला जो स्टिच है ये पैटर्न का, इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए वन वन टू थ्री, और ये जो फोर्थ वाला है इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर ये इसके नेक्स्ट दो रो होंगे उनमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच ही बनाना है, फिर उससे नेक्स्ट वाली रो होगी उसमें स्टिच बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से हर थर्ड वाली रो में लास्ट वाले स्टिच में टू डबल क्रोशिया बनेंगे,
इस पैटर्न के लास्ट वाले रो में। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा इसको बना लेती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में हमें और पैटर्न डालना है। लास्ट वाली जो लास्ट की 3-4 रो होंगी वो अलग तरीके से बनेंगी, तो पहले मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी मैंने कितनी रोज़ बनाई हैं और कितने रो में स्टिच बढ़ाए हैं। ठीक है, फिर आपको आगे वाला पैटर्न बताऊँगी। तो देखिए यहाँ घेर में मैंने 16 रो बना ली हैं, और जो ऊपर से आप काउंट करेंगे तो ये 29 रो हो गई। अब 30 वाली रो बनाएंगे। वैसे तो हम इसकी जो लेंथ है स्कर्ट की, वो सॉरी फ्रॉक की, 1 ईयर के लिए 15 इंचेस रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, घुटनों से थोड़ा नीचे रख रहे हैं। चैन वन बनाएंगे और देखिए यहीं पे 2 डबल क्रोशिए, 1 2 चैन टू बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिए और बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2, और जो थर्ड वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिए, 1 2 चैन वन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिए और बनाएंगे, 1 2। तो इसी तरीके से हमें हर थर्ड वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिए, चैन वन, 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं। तो इस रो को मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये 2 डबल क्रोशिए, चैन वन, 2 डबल क्रोशिए के यहाँ पे हमने पूरी रो बना ली है लास्ट तक। तो आपको इसमें ध्यान ही रखना है कि आपकी इवन नंबर होने चाहिए 2 के मल्टीपल, ये जो पैटर्न है। तो आप स्टिचेस कम ज़्यादा करके इसको फिक्स कर दीजिए, जिससे देखिए यहाँ पे मैंने 2 की जगह 3 स्टिच छोड़ दिया, यहाँ भी 3 स्टिच छोड़ दिया, तो ये इवन नंबर में हो गए। अगर आप ऑड नंबर में आएंगे तो फिर आपको आगे वाला जो पैटर्न होगा उसको बनाने में प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चैन वन से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाले डबल क्रोशियो में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और इस वाले धागे को यहाँ से काट देंगे। तो आप चाहें तो सेम ही कलर से बना सकते हैं, मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये जो वाइट वाला कलर है, मैं यहाँ से ये फर्स्ट की देखिए चैन वन के स्पीस से यहाँ से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए चैन वन बनाएंगे और यहाँ पे 8 डबल क्रोशिए बना, चैन वन बनाएंगे और यहीं पे 8 डबल क्रोशिए बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला ये चैन वन का स्पेस है, इसमें एक सिंगल स्टिच बनाते हैं। फिर जो नेक्स्ट वाला है इसमें 8 डबल क्रोशिए बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जो नेक्स्ट वाला है इसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले में 8 डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना के आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने लास्ट वाले स्टिच में हमारा सिंगल स्टिच आया, यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिए से स्टार्ट किया था। अब देखिए ये जो चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इनके बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन वन बनाएंगे और देखिए यहीं पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन स्टिच नहीं है, फिर से चैन वन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन वन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन, ये देखिए हमने चैन वन बनाया और हर एक स्टिच पे एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पे जब हम बनाएंगे ना तो चैन वन का स्पेस नहीं देंगे, नेक्स्ट वाले में आएंगे तो। ठीक है, अब यहाँ से फिर चैन वन, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, चैन वन, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, चैन वन, चैन वन, यहाँ तक हमने बनाया।
अब ये अब जो इस वाले से इसमें आएंगे, सिंगल स्टिच पे स्टिच नहीं बना रहे हैं, इस वाले पे आएंगे तब यहाँ पे हम बिना चैन वन के स्पेस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ पूरा। तो देखिए चैन वन, वन डबल क्रोशिया वाली रो भी हमने पूरी कर ली है। अब देखिए ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच इसको अटैच करेंगे, चैन वन बनाएंगे और देखिए यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, ये नेक्स्ट वाले चैन वन के स्पेस में इसको सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे। फिर चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, फिर नेक्स्ट वाले में अटैच करेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, सारे में हमें यहाँ तक अटैच करना है, चैन वन तक, चैन वन के स्पेस तक। यहाँ तक पहले बना लेती हूँ मैं, फिर यहाँ पे किस तरीके से बनाना है ये भी आपको बता दूँ। तो देखिए ये यहाँ तक बना लिया। अब ये यहाँ पे हमने चैन वन का स्पेस नहीं दिया तो यहाँ बनाएंगे नहीं, नेक्स्ट वाले चैन वन के स्पेस बनाएंगे। चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और देखिए यहाँ पर फिर चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा राउंड बना के मैं वापस आ जाती हूँ। तो देखिए ये हमने थ्री डबल क्रोशी चैन, फिर सिंगल स्टिच, ये पूरा यहाँ तक बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और देखिए जो फर्स्ट वाला हमने सिंगल स्टिच बनाया था इसमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए वापस से एक ये जो मेन कलर है इसकी रो बनाएंगे, तो इसको मैं यहाँ से, ये देखिए फर्स्ट वाला जो चैन थ्री का स्पेस है यहाँ से अटैच कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और जो नेक्स्ट वाला स्पेस है सॉरी चैन वन बनाएंगे और यहीं पे सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे। अब इसके बाद चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, नेक्स्ट वाले जो चैन थ्री का स्पेस है उसमें सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे, फिर चैन थ्री बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला स्पेस है उसमें सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे। इसी तरीके से पूरे में बनाना है, चैन थ्री बनाएंगे और हर एक चैन थ्री के स्पेस में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए वन टू थ्री यहाँ अटैच करेंगे। इसी तरीके से ये वाली लास्ट रो है तो इसको मैं बना लेती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा स्लीव बनानी है हमें और पीछे एक लूप बनाएंगे बटन लगाने के लिए। तो देखिए स्लीव के लिए क्या करना है, ये जो हमने, ये देखिए बिल्कुल यहाँ बीच में से यहाँ से हम धागे को लगाएंगे। चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और देखिए हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ मैं एक रो की बना रही, एक देखती हूँ मैं कितने रो की बना रही, चाहे तो दो रो बना सकते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, बस थोड़ी सी आस्तीन बनानी है। तो हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना के मैं राउंड में वापस आती हूँ। यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए यहाँ जाएंगे। तो देखिए स्लीव की फर्स्ट रो बना के यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो थर्ड वाली चैन है इसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर से चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ स्लीव में दो रो बना ली है, अगर आपको और ज़्यादा बनानी है तो आप बना सकते हैं। अब देखिए लूप बनाएंगे पीछे की तरफ बटन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने धागे को अटैच कर लिया है और यहाँ पे देखिए कुछ चैन्स बना लेंगे, एक तरफ बटन लगा देंगे और एक तरफ देखिए चैन बना देंगे, और इसको देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और देखिए यहीं पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और ये जो धागा है इसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक लूप बन जाएगा जो बटन लगाने के काम आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ बटन लगा देंगे, यहाँ बटन लगा देंगे और यहाँ पर ये वाला लूप इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने पूरा बना लिया है और ये देखिए ये कितना अच्छा इसका ये जो घेर है वो आया है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।